बीकॉम पार्ट सेकंड एमबीएस यूनिवर्सिटी के जो विद्यार्थी हैं उनका ईएफएम का जो सेकंड पेपर है बैंकिंग लॉ एंड प्रैक्टिस इन इंडिया, भारत में बैंकिंग विधि एवं व्यवहार, इसके अंतर्गत अपना चैप्टर चल रहा था बैंक एवं बैंकिंग व्यवस्था। यानी कि पिछली वीडियो में आपको बताया था हमने कि बैंक किसे कहते हैं और बैंक के जो विभिन्न परिभाषाएं हैं वो भी आपको बताई गई थी। मैं डॉक्टर चंद्रकांत गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, डिपार्टमेंट ईएफएम, श्री गोविंद सिंह गुर्जर राजकीय महाविद्यालय नसीराबाद के अंतर्गत कार्यरत हूँ। आज हम देखेंगे कि बैंक के कौन कौन से कार्य हैं। आपको बताया गया है कि जैसा कि आप जानते हैं कि बैंक वह संस्था है जो सामान्यतः जनता से धन जमा करती हैं, यानी कि जमा स्वीकार करती हैं और सामान्य जनता को उधार देती है या ऋण सुविधाएं प्रदान करती हैं। तो प्राथमिक जो कार्य हैं बैंक के वो दो मुख्य कार्य हैं, एक तो जमा स्वीकार करना और ऋण देना या उधार देना। इसके अलावा आज हम अध्ययन करेंगे कि बैंक इन दो मुख्य कार्यों के अलावा और कौन कौन से कार्य करता है। बैंक ग्राहक का एक एजेंट के रूप में भी काम करता है, जिनको हम एजेंसी संबंधी कार्य कहते हैं। और बैंक ग्राहकों के जो चेक एवं विनिमय बिलों का संग्रहण करता है। यानी कि यदि मान लीजिए आपको किसी व्यक्ति ने चेक द्वारा पेमेंट किया है और आप उस चेक को बैंक में जमा कराते हैं तो बैंक आपके लिए उस चेक का संग्रहण करता है। ऐसे जो विनिमय बिल हैं या ड्राफ्ट हैं या हुंडी हैं, इन बिलों का भी, या हम ये कह सकते हैं कि ग्राहक की ओर से बैंक एक संग्रहकर्ता के रूप में भी काम करता है। तो बैंक का अन्य जो कार्य है वह यह है कि चेक, ड्राफ्ट, विनिमय बिल आदि का ग्राहक की ओर से संग्रह करना, उसके खाते में पैसा जमा करना। इसी प्रकार एजेंसी संबंधित दूसरा कार्य है कि चेक, ड्राफ्ट, बिल आदि का भुगतान करना। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि ग्राहक द्वारा जो लिखे गए चेक हैं उनका भुगतान भी बैंक के द्वारा किया जाता है। आपको किसी को पेमेंट करना है तो आपने बैंक को चेक काट के उस व्यक्ति को दे दिया, अब वह व्यक्ति उस चेक का पेमेंट बैंक से प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से ग्राहक की ओर से जो ग्राहक के द्वारा चेक काटे गए हैं या ड्राफ्ट या विनिमय बिल हैं उनका भुगतान बैंक के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा तीसरा आंसर है कि ग्राहक के आदेश अनुसार भुगतान करना। स्टैंडर्ड ऑर्डर दे दिए जाते हैं ग्राहक के द्वारा बैंक को कि आप मेरा बिजली का बिल है या LIC के प्रीमियम है या नल का बिल है या टेलीफोन का बिल है आदि का भुगतान कर दें। तो बैंक सामान्यतः एक निर्धारित शुल्क लेकर के और ग्राहक की ओर से या ग्राहक के आदेश अनुसार का पेमेंट कर देता है, LIC किस्त जमा करा देता है, नल बिजली का बिल जमा करा देता है, या हम कह सकते हैं ऐसे ही भुगतान प्राप्त करना, पेमेंट रिसीव, यानी कि ग्राहक के आदेश अनुसार बैंक ग्राहक के लिए लाभांश का है, ब्याज का है, किराया है, ऋण की किस्त है आदि का भुगतान भी प्राप्त करता है। और नेक्स्ट कार्य से मनी ट्रांसफ़र, यानी कि धन एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना। बैंक अपने ग्राहक के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर राशि भेजने की सुविधा भी प्रदान करता है। ये आजकल आप जानते हैं RTGS करते हैं या मान लीजिए अन्य किसी साधन से, और इसके बदले में बैंक निर्धारित शुल्क भी वसूल करता है। यानी कि बैंक जो ये सेवाएं दे रहा है वो उनके बदले में सर्विस चार्ज या शुल्क जो है धनराशि कुछ राशि वसूल करता है। ठीक इसी प्रकार से अन्य कार्य हैं प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय, परचेज एंड सेल्स ऑफ सिक्योरिटीज। बैंक अपने ग्राहकों के लिए सरकार जो प्रतिभूतियाँ हैं उनका क्रय विक्रय भी करता है। ऐसे प्रन्यासी एवं निष्पादक के रूप में कार्य करना, ट्रस्टी एंड लिक्विडेटर्स, यानी कि ग्राहक के आदेश पर बैंक उनकी संपत्ति की व्यवस्था करना ट्रस्टी के रूप में, या विभाजन प्रबंध करने हेतु प्रबंधक, प्रन्यासी या निष्पादक का कार्य भी करते हैं। ऐसे ही प्रतिनिधि संबंधी अन्य कार्य हैं, एजेंसी संबंधी जो अन्य कार्य हैं जैसे बैंक अपने ग्राहक के लिए उसके आदेश पर पासपोर्ट या यात्रा संबंधी विदेशी विनिमय अन्य सुविधाएं के लिए कार्य भी करते हैं। तो इस प्रकार से आप जानते हैं कि बैंक अपने ग्राहक के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य करता है, उसके चेक एंड ड्राफ्ट का संग्रह करता है, उसके चेक और ड्राफ्ट जो लिखे गए हैं उनका बिलों का भुगतान भी करता है,
ग्राहक के दोस्तान का पेमेंट भी करता है, जैसे बिजली का बिल है, टेलीफोन का बिल है, ऐसे ही ग्राहक की ओर से भुगतान प्राप्त भी करता है, लाभांश है, ब्याज का पेमेंट लेना है या मकान किराए का है वो जमा करता है, प्रतिभूतियों क्रय विक्रय करता है, प्रन्यासी के रूप में या अन्य प्रबंधक के रूप में भी बैंक काम करता है। इसके अलावा बैंक के अन्य जो सामान्य उपयोगी कार्य हैं वो भी करता है, जैसे पहला है लॉकर से उपलब्ध करवाना। आप जानते हैं कि आप बैंक में लॉकर से सुविधा प्राप्त कर सकते हैं, और लॉकर की सुविधा जो प्राप्त की जाती है उसके हिसाब से प्रतिवर्ष आपको किराया भी चुकाना पड़ता है, और उस लॉकर के अंतर्गत आप जो बहुमूल्य जेवरात हैं या ज्वेलरी हैं या अन्य जो कीमती सामान हैं वो बैंक लॉकर के अंतर्गत रख सकते हैं। इससे आपके जो बहुमूल्य वस्तुएं हैं उनकी सुरक्षा भी प्रदान की जाती है। तो लॉकर की सुविधा सामान्यतः हर व्यापारी बैंक या जो बैंक हैं वो अपने ग्राहकों के लिए या सामान्य जनता के लिए लॉकर की सुविधा प्रदान करते हैं, और ये लॉकर की सुविधा एक निर्धारित किराया जो बैंक है प्रतिवर्ष उनसे चार्ज करती हैं। ऐसे ही है नेक्स्ट काम जो करती हैं बैंक, संदर्भ या आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी देना रेफरेंसेस के रूप में, यानी कि बैंक अपने ग्राहकों की जो आर्थिक स्थिति है उसकी जानकारी देता है, संबंधित जो व्यापारी हैं या और दूसरे जो सरकार है या और कोई अन्य एजेंसीज हैं वो यदि ग्राहक के बारे में कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो ग्राहक के की सूचना है चूँकि बैंक के पास उपलब्ध होती हैं, और ग्राहक के बैंक के साथ जो ट्रांजेक्शन करता है, बैंक के साथ जो लेन देन करते हैं उनसे बैंक ये आइडिया लगा देता है कि आप किस प्रकार से उनका जो है वो उसकी आर्थिक स्थिति किस प्रकार की है। यानी कि बैंक ने यदि मान लीजिए चालू खाता आपने खोल रखा है और आपने बैंक ने ओवरड्राफ्ट की सुविधा दे रखी है और आप उनका पेमेंट किस प्रकार से करते हैं, आपने लोन ले रखा है, लोन का रिपेमेंट आप टाइम पे करते हैं नहीं करते हैं, ये सब स्थिति आर्थिक स्थिति की जानकारी बैंक के पास उपलब्ध होती है, और बैंक ये जानकारी अन्य व्यापारियों को या संबंधित व्यक्तियों को दे सकता है। नेक्स्ट कार्यकर्ता अभिगोपन का कार्य करना, अंडर राइटिंग का कमी काम करना, यानी कि जो बैंक बड़े बड़े जो प्रतिष्ठान हैं या जो कंपनियां हैं वे अपने अंशों या ऋण पत्रों का बेचान करना चाहती हैं तो उनके अंश पत्र या ऋण पत्र बेचने का कार्य भी अभिगोपक के रूप में बैंक के द्वारा किए जाते हैं, और इस के बदले बैंक को अभिगोपन कमीशन अंडर राइटिंग कमीशन भी प्राप्त होता है। तो बैंक बड़ी बड़ी जो कंपनियाँ हैं जो कि इशू करते हैं शेयर से या डिवेंचर से उनके अंडरराइटिंग काम भी बैंक के द्वारा किए जाते हैं। ऐसे वित्तीय सलाहकार या फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, बैंक अपने ग्राहकों के लिए समय समय पर वित्तीय सलाह तथा आर्थिक विषयों पर परामर्श देने का कार्य भी करता है, क्योंकि बैंक में विभिन्न विशेषज्ञ होते हैं और वे अपने ग्राहकों को फाइनेंस संबंधी या व्यवसाय से संबंधित निर्णय लेने में उनको सहायता प्रदान करते हैं। फाइनेंशियल एडवाइजर बैंक के द्वारा प्रदान की जाती हैं। नेक्स्ट है इसमें आर्थिक सूचनाएं इकट्ठे करना एवं प्रकाशित करना, यानी कि जो बैंक हैं जैसे RBI हैं वो बुलेटिन प्रकाशित करती है, एनुअल रिपोर्ट्स उनके द्वारा प्रकाशित की जाती हैं, तो जो आर्थिक सूचनाएं हैं या जो डेटा हैं उनका कलेक्शन बैंक के द्वारा किए जाते हैं, उनके पास उपलब्ध होते हैं और उनका समय समय पर प्रकाशन भी किया जाता है, और ये जो आंकड़े प्रकाशित किए जाते हैं ये विद्यार्थियों के लिए या यूनिवर्सिटी में जो PhD इत्यादि करते हैं शोध कार्य करते हैं उनमें, या राजनेताओं के लिए अर्थशास्त्री जो राजनेता जो नीतियों का निर्माण करते हैं, अर्थव्यवस्था से संबंधित सूचनाएं उपलब्ध होती हैं तो उनके आधार पर आर्थिक विकास कैसे किया जाए ये उसमें उपयोगी साबित होती हैं। ऐसे ही सार्वजनिक ऋण की व्यवस्था करना, पब्लिक डेट यानी कि व्यापार बैंक सरकार द्वारा जारी किए गए जो ऋण हैं उनकी बिक्री की व्यवस्था भी करते हैं, और ये कार्य केंद्रीय बैंक के प्रतिनिधि के रूप में किए जाता है, यानी कि भारत सरकार को राज्य सरकार को यदि धन की आवश्यकता है तो जो पब्लिक से जो ऋण प्राप्त करते हैं उनका काम जो है वो बैंकों के माध्यम से ही किया जाता है, और केंद्रीय बैंक के प्रतिनिधि रूप में जो व्यापार बैंक है वो ऐसा काम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें समाशोधन गृह की व्यवस्था करना, क्लियरिंग हाउसेज यानी कि आपस की जो पारस्परिक भुगतान है उनके निपटारा करने के लिए बैंक समाशोधन गृह के रूप में भी कार्य करता है। भारत में समाशोधन गृह अलग से नहीं है, विदेशों में तो बैंकों के अलावा स्वीकृति गृह कटौती गृह या समाशोधन गृह अलग से हैं, लेकिन भारत में समाशोधन गृह अलग से नहीं है, जो बैंक हैं या वित्तीय जो संस्थाएं हैं वो RBI के निर्देशानुसार समाशोधन गृह का कार्य भी करती हैं। क्लियरिंग हाउसेज हैं यानी कि चेकों का या ड्राफ्टों का
जो क्लियरिंग होती है वो इन क्लियरिंग हाउसेस के माध्यम से की जाती हैं, और ये क्लियरिंग का काम भी जो बैंक हैं वो करती हैं। इसके अलावा अन्य जो सहायक कार्य हैं उनमें जैसे बैंक जो है वो गारंटी प्रदान करता है, या साख कार्ड है, या यात्री चेक है, या उपहार चेक है इत्यादि दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से नटसेल हम कह सकते हैं कि बैंक जो है वो बहुत सारी कार्य करते हैं। इसके अलावा विदेशी व्यापार की वित्त व्यवस्था भी बैंकों के द्वारा की जाती है। जो एक्सपोर्ट इम्पोर्टर्स हैं उनके लिए फाइनेंस की जो व्यवस्था है उसको करने के लिए भारत में अलग से ही एक बैंक खोली गई है, उसका नाम है भारतीय निर्यात आयात बैंक, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। ये कार्य करते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि आयातकर्ताओं के लिए भी वित्त की आवश्यकता पड़ती है, निर्यातकर्ताओं के लिए भी वित्त की आवश्यकता पड़ती है। डिटेल में इसको भारतीय निर्यात आयात बैंक का जो चैप्टर है वहाँ पर पढ़ेंगे, लेकिन आपको जानकारी दे दें कि भारतीय निर्यात आयात बैंक केवल और केवल आयातकर्ताओं निर्यातकर्ताओं के जो फाइनेंशियल नीड्स हैं उनको पूरा करने काम करती हैं। ये जो व्यापारी बैंक हैं ये आयातकर्ताओं निर्यातकर्ताओं के लिए उतनी मात्रा में नहीं दे पाती हैं, इसलिए भारत सरकार ने भारत में अलग से ही एक बैंक खोल दी गई जिसका नाम है भारतीय निर्यात आयात बैंक, जो केवल और केवल आयातकर्ताओं निर्यातकर्ताओं के फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध कराते हैं, जिससे कि जो विदेशी व्यापार है उसमें आसानी होती है, उसके लिए वित्तीय व्यवस्था हो जाती है। ऐसे ही बैंक का काम है क्रेडिट क्रिएशन करना, साख का सृजन करना। आप जानते हैं कि केंद्रीय बैंक है वह मुद्रा जारी करती है, यानी कि नोट जो छापे जाते हैं केंद्रीय बैंक के द्वारा ही छापे जाते हैं, लेकिन जो बैंक हैं वो नोट जारी नहीं करते हैं, लेकिन बैंकों के पास जो जमा है उसके आधार पर बैंक साख का सृजन करते हैं, लोगों को उधार देते हैं। जैसे मान लीजिए आपने 100 रुपये बैंक में आप जमा कराते हैं तो बैंक कुछ पैसा नकद रख करके या RBI पास जमा करके बाकी पैसा उधार दे देते हैं। तो इस प्रकार से बैंक जो है क्रेडिट क्रिएशन कार्य भी करते हैं। तो आज हमने अध्ययन किया है कि बैंक के जो विभिन्न कार्य हैं उनको हम कई भागों में बांट सकते हैं। एक तो है प्राथमिक कार्य जिसमें दो मुख्य कार्य हैं, एक तो है जमा स्वीकार करना, और जमाएं भी 4 खातों में की जाती है सामान्यतः, बचत खाता है, चालू खाता है, स्थायी जमा खाता है और आवर्ती संचय जमा खाता है। बैंक उधार देती है, ऋण सुविधाएं दी जाती हैं, विशेषकर नगद साख के रूप में दी जाती हैं या ओवरड्राफ्ट के रूप में हैं या सामान्य ऋण हैं। ऐसे एजेंसी संबंधी कार्य हैं, अन्य उपयोगी कार्य में मैंने आपको बताया से लोगों की सुविधा है या समाधान कार्य, ये सब काम किए जाते हैं। तो इस प्रकार से आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।